child trafficking, one of the serious issues India facing is child trafficking. हाँ दोस्तों, आज child trafficking में इंडिया में बहुत सारे बच्चे गुम हो गए हैं, बिछड़ गए अपने पेरेंट्स से. बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को खोकर जिस दुविधा में हैं, जिस हालत में हैं, उसका बयान नहीं कर सकते हैं. राइट, कई सालों से लोग खोज रहे हैं और जो रिकवरी है, जो बच्चों को ढूंढने हैं, जो रेस्क्यू वाला जो है, वो शेयर बहुत कम है. तो ये सारे चीज़ों को कंसिडर करके दिल्ली पुलिस एक इंसेंटिव स्कीम लेकर आई, दैट इज आउट ऑफ टर्न प्रमोशन. कोई भी कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल अगर पूरे साल में, दैट इज 12 मंथ्स, पूरे साल में अगर 50 से ज़्यादा बच्चे जो 14 साल के नीचे हैं उनको ट्रेस आउट करते हैं, और उन 50 बच्चों में भी अगर 15 बच्चे 8 साल से कम उम्र के हैं, तो उनको आउट ऑफ प्रमोशन, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाएगा. ये बात सुननी ही थी कि हमारी रियल लाइफ हीरो दी वन एंड ओनली लेडी सिंगम सीमा ढाका निकल पड़ी शिकार पे. हाँ जी, वो सारे ट्राफिकर्स जो चाइल्ड ट्राफिकर्स हैं उन लोग को ढूंढने निकल पड़ी. उन्होंने बिहार, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, फिर पंजाब, हर जगह ढूंढा. जहाँ जहाँ उनको इन्फॉर्मेशन मिली वहाँ वहाँ हो गई. यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल में फ्लड के कारण दो नदी उनको नाव में पार करनी पड़ी. यहाँ जाओ तो ये एड्रेस देते, वहाँ जाओ तो वो एड्रेस, कैसे भी करके उन बच्चों तक पहुँचना ही उनका टारगेट था. और दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, जो 12 महीने का टारगेट था उन्होंने सिर्फ 2.5 महीने में वो भी 76 चिल्ड्रन को उन्होंने रेस्क्यू किया. और उन 76 चिल्ड्रन में 50 से अधिक तो 14 साल के नीचे वाले. ग्रेट जॉब डन बाय हर, रियली द होल नेशन इज प्राउड ऑफ हर एंड द होल नेशन सैल्यूट्स सीमा ढाका. लेट्स सैल्यूट द असली हीरो, द रियल लाइफ हीरो सीमा ढाका. जय हिंद.